गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद कर दिया तुसी सारे ठीक होगे। कल जिस तरह तुहाडे नाल गल कीती सी, लुधियाना दी एक विजिट सी, दिलरोज दी मदर नू मिलन गई सी, नाल इस्लामगंज एक ज्योति नाम दी बच्ची जिहड़ी बहुत सालां तो उहदे हसबैंड ने उहनू प्रताड़ित कीता सी, बैड ते पई हुई सी, मीडिया द्वारा मेरे नोटिस लिया गया, उस बच्ची नू भी मिलन गई सी। कल आपां इमीडिएटली उत्थे मीडिया ने मेरी डॉक्टर नाल गल करवाई सी, इमीडिएटली उन्हें उस तो बाद हस्पताल ले जाया गया सी। अज मॉर्निंग जदों आके आपां ऑफिस सारे लैटर्स PGI नाल कॉन्टैक्ट किया गया कि उन्हें अज आपां PGI शिफ्ट करन वाले सी, सारे अरेंजमेंट किए जा रहे सी, गल की जा रही सी, हेल्थ मिनिस्टर नू लैटर लिखा गया, गवर्नर साहब नू लिखा जा रहा सी, प्रधानमंत्री जी नू, ते लड़की दी थां सानू थोड़ी डिटेल चाहिदी सी, ते लुधियाना फिर तो फोन किया गया उनके ब्रदर नू। बड़े ही दुख हो रहा, तुहानू सब नू भी इनफॉर्म करदे हुए ब्रदर ने दस्या कि बच्ची की डैथ हो गई है, क्योंकि हॉस्पिटल निजाम ते जड़े उनके चैकअप किए गए उनके पता चलिया कि बहुत सारी TV दिया गांठा बन चुकिया सी, उनके माइंड उनका ब्लड प्रेशर बहुत थले चला गया सी, नब्ज उनकी मिल ही नहीं रही सी। बड़ा मन दुखी होया कि कल फिर तो बेचारी एक इंसाफ दी चाह च भटकती हुई बिस्तर ते पै गई, ते कल क्या वो मैनू ही मिलन का इंतजार कर रही सी। मेरा बड़ा मन अज सवेरे सवेरे आपां अज फॉरमैलिटीज पूरी करन ते लगे हुए सी, एक फोन किया गया ते वो अज मन खराब हो गया। बड़ा ही दुख हो रहा है कि बच्ची एक अपने छोटे जे मासूम नू छड़ के चली गई, ते हुन आपां उनदे इंसाफ दी लड़ाई लड़ांगे। उनदे ब्रदर ने भी, मैं उनदे ब्रदर नाल गल कीती है, उनदे ब्रदर ने भी इक्को ही डिमांड रखी है कि उनदे हसबैंड ने जिहड़ा उनदे नाल इन्नी हरासमेंट कीती, उनू माँ भी बनाता, एक बच्चा भी हुन सफ़र करेगा बिना माँ तो। तुसी जानते ही हो कि बिन माँ तो बच्चों के लिए कितना औखा है, ते उनदे ब्रदर दी भी इक्को ही डिमांड है कि सानू साडी भैन लई जस्टिस दिवाया जाए, ते पंजाब स्टेट विमेन कमीशन उनदे नाल खड़ा रहेगा, साडियां दुआवां च बच्ची रहेगी, आपां उनदे जो भी उनदी जस्टिस उन्नू है मिल के रहेगा। उनके हसबैंड नू आपां मैटर कोर्ट च, कि उनके हसबैंड ने कोर्ट च लगाता सी डाइवोर्स का केस, आपां माननीय कोर्ट नू भी लिखांगे कि बच्ची नाल कुछ हरासमेंट हुई है, साड़ी इस मामले ते नज़र रहेगी। और अज वाहेगुरु अगे एक अपील है, मैं चाहनी हाँ तुसी भी सारे अपनी अपील च एक दुआ उनके लिए अरदास करिए कि उनकी आत्मा नू शांति मिले और उस परिवार नू इस दुख नू सहन करन दी शक्ति ते हिम्मत मिले। दूसरा अज एक होर गल करना चाहनी हाँ कि अज मैं पढ़ रही सी तमिलनाडु च एक 11 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया, 11वीं क्लास की बच्ची ने, कि नाबालिग सी, किसी दे नाल उनदे संबंध सन मुंडे दे नाल, मुंडा उन्नू इन्ना हरास कर रहा सी कि उस लड़की ने सुसाइड करन वक्त एक नोट लिखिया कि समाज दे तानियां तो दुखी होके, रिश्तेदारां तो ते अपनियां तो दुखी होके कि किते भी सुरक्षित नहीं आ, कि लड़की किते भी सुरक्षित नहीं, ना माँ दी कोख च ना कबर च, ते साडियां ए धीआं कित्थे सुरक्षित ने, कौन हंझू पूंजन गया इन्हों का, कितने साड़ी बच्चियाँ। एक सवाल है अज तुहाडे तो भी कि चलो मैं मन्नी हाँ कि उस नाबालिग बच्ची ने किसी दे नाल दोस्ती की, संबंध बन गए, संबंध बनन तो बाद लड़के ने उन्हें इन्ना को हरास किया, प्रताड़ित किया, जो कि उन्हें कबूल किया कि मैं उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करता, उस तो बाद उन्हें जड़ा एक सपोर्ट मिलना चाहिए सी अपन का, उन्हें कैद कर दिता गया अपने पेरेंट्स का या समाज के जड़े तान्या ने, वो लड़की ने जड़े अपना सुसाइड नोट छड़िया उन्दे च लिखिया कि वो ऐसा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही सी, उनका हौसला उनकी हिम्मत जवाब दे गई। मैं मन्नी हाँ बच्चियों तो गलती होंदी है, पर क्या उस गलती की सज़ा इन्नी वड्डी कि मौत कितने सुरक्षित है साड़ी ती, माँ की कोख च या कवर च। अज जो बच्ची सवाल छड़ गई है, वो पूरी इंडिया की धियां वास्ते वे, कुड़ियां वास्ते वे, कि साड़ी बच्चियां कितने सुरक्षित ने, यह सवाल मैं तुहाडा भी इन्दे ते जवाब चाहिए, कॉमेंट बॉक्स च दसो कि साड़ा यूथ कितने सुरक्षित है, साड़ी धियां लई कौन मार चुकेगा, कौन हिला वसीला बनेगा, कितने उन्होंने सुकून मिलेगा। उम्मीद करती हाँ कि तुसी कमेंट बॉक्स में अपने विचार दसोगे। थैंक यू। जय हिंद।